राजू चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। कब से इंतजार कर रहे हैं? कब आएगा भीम? मैं आ गया। कहाँ थे तुम भीम? बहुत देर कर दी आने में। हाँ, हम तो मेले में जाने वाले थे। और तुम इतने खुश क्यों हो? इतने सारे सवाल, तुम सबको कल तक सब पता चल जाएगा कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। भीम और उसके दोस्त इतने खुश क्यों हैं? ये सब पता करना पड़ेगा। चलो पता करते हैं। हाँ चलो। कल तक हमें रुकना पड़ेगा, पर क्यों? क्या उल्टा सीधा करने वाले हो तुम? कल तक इंतजार करके देख लो। बताओ ना भीम, बताओ ना। हाँ बताओ ना। ठीक है, मैं तुम सबको इतना बताता हूँ कि तुम सबके लिए मेरे पास कुछ सरप्राइजेज हैं। सरप्राइजेज? तुम्हारा मतलब तोहफे? अब चलो, हमें मेले में भी तो जाना है। हाँ चलो। राजू, तुम्हें ये किसने भिजवाया है? प्रोफेसर धूमकेतु ने, क्योंकि जब पिछली बार मैं उनसे मिलने गया था तो रास्ता भटक गया था, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज मेले की सारी सवारियों में कितना मजा आया ना भी। और कालिया को डरते देख तो बहुत मजा आया। मम्मी। चुप करो जग्गू, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया। अब हम चलते हैं भी। बाय दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं आज के खाने में टुनटुन मौसी क्या खास बनाएंगी। काश आलू के पराठे बने हो। बच्चा साइकिल पर हमारी कार का पीछा कर रहा है। हट, 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 हटा छाता, कार जोर से घुमाओ।
ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। लाठी ना सही, मेरे पास छाता तो है। मेरे पास छाता तो है। काश सबको अपने गिफ्ट्स पसंद आए। भीम, ये तोहफा तो कितना प्यारा है और ये नाच भी रहा है। हा? मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ। मेरे हाथ में तो ये वॉच जंच रही है और जग्गू की टोपी को तो जरा देखो, अपना जग्गू लग रहा है स्टाइलिश जग्गू। चॉकलेट्स, थैंक यू भीम। हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू भोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भी तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। एक, दो, तीन, चार। दो